आज हमारे सफर का दूसरा दिन है। यहाँ आने से पहले जितना हमने सोचा था, ये जगह उससे भी कहीं खूबसूरत है। तो चक्राता से होकर आज हम जा रहे थे हनोल महासु देवता के दर्शन करने। सफर थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। तो अभी हम लोखंडी से लगभग 5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और इस जगह का नाम है कनासर। तो अभी लगभग हमको जाना है 70 किलोमीटर दूर और हनोल की तरफ। अभी 3 बज रहे हैं, तो कितना 5 बजे तक? 5 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद वहीं पर कैंप वैंप लगाते हैं और आगे का सीन क्या होता है देखते हैं फिर। तो भाई रोड की हालत देख लो यार, बहुत ख़राब हो रखी है यहाँ पर। ये पूरी रोड देखो स्लाइड हो गया, पूरा नीचे जा रखी है। तो अभी हनोल यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर, तो बस चल रहे हैं वहीं पर। तो यार महासु देवता लगभग यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है, तो लगभग अंधेरा होने से पहले तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि उससे पहले कहीं कैंप लगाते हैं, बढ़िया लोकेशन देखकर। एक लोकेशन अभी देखी थी हमने, लेकिन पानी तो है यहाँ पर, लेकिन जो जगह देखी है वो एकदम रोड के किनारे है, तो बिल्कुल सेफ तो नहीं है, इसलिए कहीं और देखते हैं। तो अंधेरा हो चुका था और हम हनोल तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन 4 महासु देवता में से एक बाशिक महाराज के स्थान महेंद्रत पहुंच चुके थे और आज रात हम कैंप भी यही करने वाले थे, पूरी परमिशन के साथ। और थकान इतनी थी कि कब आंख लगी और कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। और अभी बज रहे सुबह के 6:30, तो फटाफट यहाँ से हमको महासु देवता के लिए निकलना है, फिर वहाँ से दर्शन करके चलते हैं लाखा मंडल की तरफ। ये 4 मासु की जन्म स्थली है, उपस्थली है। यहाँ पे 4 मासु जी उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले हमारे वाशिक महाराज जी अभी यहाँ पे विराजमान हैं, तो यहाँ पे मतलब उनकी जन्म स्थली है और उनकी यहाँ मतलब माता जी का मंदिर है, देवलाड़ी माता जी का, और वो अंदर विराजमान है इस समय। एक समय यहाँ पे जब राक्षसों का वध चलता था, तो एक होनाबाट नाम का एक ब्राह्मण रहता था, तो उस ब्राह्मण ने कश्मीर जा करके 4 मासु जी को लाए, महाराज 4 मासु को यहाँ पे लाए, इस खेत में प्रकट हुए। तो इनकी माता जी का नाम देवलाड़ी माता जी है और ये इनकी यहाँ जन्मस्थली है। यहाँ का गांव का नाम महेंद्रत है। तो चलिए फिर वाशिक महाराज के दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं हनोल महासु देवता के दर्शन करने के लिए। तो यार पीछे हम लोग रुके हुए थे, जगह का नाम था महेंद्रत। तो यार वहाँ के लोग बड़े अच्छे लगे, तो हम लोग ने यार कैंपिंग के लिए उनको बोला, तो भाई वो तो इतना बोल रहे थे कि हमारी छत पे कैंपिंग कर लो, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, बड़ी इजीली आपका हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर ना। तो जौनसार के लोग यार यू आर द बेस्ट। और जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हनोल सिर्फ 9 किलोमीटर, तो चलते फिर आगे। तो हम लोग ने आधा रास्ता कवर कर लिया है, हनोल यहाँ से लगभग है 3 किलोमीटर। भाई व्यूज इतने अल्टीमेट है कि बार बार रुकना पड़ रहा है। तो भैया 9 किलोमीटर भी अपने पूरे हो गए हैं और मेन एंट्रेंस पे हम पहुंच चुके हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए मंदिर पे और गाड़ी करते हैं पार्क और चलते हैं अंदर।
आपका नाम क्या पंडित जी? कांतिराम नौटियाल जी। मान्यता पांडव के टाइम से यहाँ पे पीछे जो बना हुआ लास्ट वाला मंदिर ना, जहाँ चार बाई चारों मासुदेवते की मूर्ति है, मेन मूल स्थान इसका यही है। देवलाड़ी माता महेंद्र से उत्पत्ति हुई इनकी, क्योंकि वहाँ पे कोई कृमि दानों का राक्षस रहता था, वो जैसे ही किसी भी गर्भवती महिला का बच्चा होता था वो खा लेता था। तो वहाँ से एक कोई गया होगा पंडित उनाबाट कहते उनके लिए, वो गया कुल्लू कश्मीर में ना, उसने वहाँ से वर मांग के लाया देवताओं से, तो वहाँ पे वो उसने रख दिया उसको जो वर लाया था, तो उसके लिए बोला कि देखना नहीं इसको सात दिन तक। उसने सोचा कि मैं तो तीसरे दिन में निकालता हूँ, उसको जल्दी होगी ना, दो तीन दिन के अंदर उसने निकाल दिए। तो सोने चांदी के बछड़े थे, उनसे उसने हल लगाया तो इनकी उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति हो गई तो इनको, ये जो सबसे छोटा भाई है चालदा महाराज जी जौनसार में है, तो उनको तो कोई चोट नहीं आई। बोठा मासू को घुटने में आई, पबासी महाराज को कान पे ले गए और उसको बाशिक महाराज को हाथ पे ले गए। तो इसलिए इन चार भाई मासू है यहाँ पे ना हनोल के अंदर, बोठा मासू, बाशिक महाराज, पबासी महाराज, सबसे छोटा चालदा महाराज जी, ये चीज़ें ऐसा गिनती पे सबसे बड़ा बाशिक ही माना जाता, पर यहाँ पे बोठा का राज है ना, इसलिए बोठा महाराज ही कहलाया जाता सबसे पहले। तो जैसा आपने पूछना है किसी के बारे में भी, तो कोई मालूम नहीं है, जैसा आप पूछेंगे तो देवता उस टाइम प्रकट हो जाए, खुद बोलेगा, वो आपकी दिल की बात को बोल देगा। इसीलिए लोग पूछने आते हैं, क्योंकि कई लोग परेशान हो जाते हैं, किसी पे कोई झपट लग जाता है, कोई चीज ऐसी हो जाती है, तो यहाँ लेके आएंगे वो संतुष्ट होकर घर को चले जाते हैं। सर्वप्रथम पीठ है यहाँ पे, इस मट्टी के अंदर है, हनोल के अंदर है, इतनी बड़ी शक्ति है, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो किसको आफत आने की। आज तो कोई अपने रिलेशन पे नहीं मिल सकते, परिवार में नहीं मिल सकते एक दूसरे से, बहुत दूर दूर से आते लोग। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 15 किलो का छत्तर दिया ना अंदर, मुरादाबाद के थे, अग्रवाल जी थे वो, तो उनका बहुत बड़ा कार्य सफल हुआ। उन्होंने इच्छा रखी कि देवता देनी है, तो उन्होंने बढ़ा करके चीजें ले आई 15 किलो का है, और दिल्ली में बनवा के लाया, और 4.5 लाख रुपए इसकी वो लगी बनाने की। हर आदमी तभी चीज लेके आता है यहाँ पे जब उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये चीज ये मान्यता सर यहाँ की। जय वासु महाराज की। भीम की करंची थी, दोनों भीम इससे खेलते थे, और बहुत पुरानी मान्यता इसकी। अरे तो भैया ने तो उठा दिया यार, ये वाला तो उठा दिया, ये ट्राई करोगे आप? चलो इतना भी उठा दिया, कमर में दर्द हुआ? मंदिर में दर्शन वगैरह तो हमने कर लिए हैं, अब हम जाके ट्राई करते हैं भीम के कंचे, उठते हैं। भाई भाई बहुत तरह के आ रही है। अच्छा ये जो छोटा वाला पत्थर है ये 6 मन का है, और बड़ा वाला पत्थर 9 मन का कैसे है? तो ये तो दिखने में छोटा सा है, लेकिन जो है भारी बहुत है यार। छोटा वाला तो उठा ही लूंगा, हाँ, लेकिन बड़े वाले का है चक्कर। लोगर दोस्त जी ये तो आराम से उठ गया। ले भैया उठाओ, भाई उठाओ, कंधे तक उठाओ। क्या हुआ? लगाओ जोर। अरे कंधा तक बाबा बाबा, नहीं उठा नहीं उठा भैया, नहीं उठा है? तारे ने देखो मैंने तो इतना भी उठा लिया, इन्होंने तो इतना भी उठाया। भाई मैं खाना खा के उठा, तो हिला भी नहीं, दोबारा ट्राई कर लो। ओ भाई तुम लोगों को लग रहा है क्या मेरे से उठेगा बोल के? मैं से नहीं उठने वाला भैया, इनका डाइट देखो ना, हमारा डाइट देखो। ये वाला एक्चुअली भारी है भाई, तो भी उठाता है ये वाला, तो यही भाई उठाता है बस, यही भाई उठाता है भाई ये वाला, तो बस 2-3 बार सुबह से उठा दिया, डेली की प्रैक्टिस है। ये बच्चे ग्रिप बता रहे कैसे उठाना है, ऐसे और ये उठा के। ठीक है ठीक है, टेक्निक तो इन्होंने बता दी यार, लेकिन जब उठाते हैं ना उस टाइम पता चलता है कि अच्छा पूरी ग्रिप बनानी है। भाई साहब वाह यार, नहीं नहीं उठा दिया भाई, मानना पड़ेगा यार भाई, ये वाला तो कंचा बहुत भारी है, और मैंने किसी को देखा नहीं अभी जब से सुबह से आया हूँ, तो यही भाई भाई अपना जिसने उठाया है, बहुत बढ़िया यार। दर्शन करके अब हम चल रहे हैं यहाँ से, और चलते हैं लाखा मंडल की तरफ,
तो मंदिर का यार एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हमको, इतने सपोर्टिव लोग थे यार, बिल्कुल मजा आया। कोऑपरेटिव लोग हैं यार, सपोर्ट करते हैं हर चीज में, आपको कोई भी जरूरत हो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। आए और दर्शन करें महासुदेव, अच्छे दिल से आए। जितना हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे थे, सफर और यादगार होते जा रहा था। कहने को तो अभी हमारे सफर का तीसरा ही दिन था, लेकिन इन 3 दिनों में ही हमें काफी कुछ दिखा और सिखा दिया था। तो ऐसे ही जिंदगी को और करीब से देखने, समझने और जानने के लिए हम चल दिए एक और मंजिल की तरफ, एक और यादगार सफर पर।